ये क्या चल रहा है? ये घर आपका है मिस्टर त्रिपाठी, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या हुआ इमली? ये सवाल भी मुझे आप ही से पूछना चाहिए मिस्टर त्रिपाठी, क्योंकि जहाँ आप होते वहाँ इमली कभी सेफ नहीं होती। तुम मेरे किसी सवाल का सीधा जवाब दोगे? मूव। इमली ओपन आइज। इमली, इमली, इमली लिसन टू मी। अपनी सांस लेते रहना, ओके? जस्ट ब्रीद, ओके? इमली, इमली लिसन टू मी। क्या हो गया? कैन यू हियर मी? इमली आंखें खोलो अपनी। इमली को वैसे। अरे क्या हो? इमली, इमली, इमली आंखें खोलो इमली। इमली ओपन आइज। इमली, इमली, क्या हो गया? होश की हो गई। इमली ओपन आइज। इमली, जस्ट ओपन आइज। अरे आर्यन कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ ऐसे? आप लोग प्लीज थोड़ा जगह दीजिए, शायद ये सांस नहीं ले पा रही ठीक से। इमली देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिट मी, कैन यू हियर मी? इमली, पानी सुधर। या थैंक यू। इमली, 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 आर यू ओके? जस्ट ब्रीथ, लंबी लंबी सांस लेना, ओके? अरे बेटा, तू तो सोने जा रही थी ना? इसके कमरे से धुआं आ रहा था, जैसे किसी ने कोई अजीब सा केमिकल डाल दिया। हाँ, वो दवाई अभी तो माली मैम लेकर गई थी। ऑफ कोर्स मैं दवाई लेकर गई थी। उस कमरे की हालत देखी थी, कितने कीड़े मकोड़े हो गए थे। अब घर में अगर गंदगी होगी तो उसे साफ करना ही होगा ना। लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था जब मैं गई थी, और मैंने तो सोचा भी नहीं कि इमली उस कमरे में होगी। वो तो हमेशा इसी कोने में सोती है ना। आपकी सोच इतनी घटिया है मैं जानता हूं मिसेस त्रिपाठी, लेकिन आप इतनी डम निकलेंगे ये नहीं पता था मुझे। इमली इस घर के ओनर है, वो किसी कोने में क्यों रहेगी? इस घर की छत के नीचे जो भी हो रहा है वो हम लोग हैंडल कर लेंगे। तुम्हारे आने का मकसद क्या है? क्या हुआ? एक रात के लिए भी इमली से दूर नहीं रह पाए? आदि, अगर ऐसी बातें तुमने दोबारा की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि बेटा बड़ा हो गया है। तूने खुद तो कभी इमली का बोल समझा नहीं, अब अगर कोई और उसकी फिक्र कर रहा है तुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर्यन, तुमने वक्त पर आकर इमली को बचाया, उसके लिए थैंक यू। पता नहीं क्या होता अगर आज तुम नहीं आते तो ठीक है। आर्यन बेटा, आज तुमने अनहोनी होने से बचा लिया। बेटा, रात बहुत हो चुकी है, आज की रात हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। प्लीज बेटा, आज की रात यहीं रुक जाओ। एक्चुअली सर, आप सबसे मुझे उसके बारे में बात करनी थी। अगर आपको एतराज ना हो तो सिर्फ आज रात के नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुकना चाहता हूं। तुम यहां रह के चाहत? क्योंकि इस घर के पेपर वर्क अभी भी बाकी है इमली, फॉर्मेलिटीज अभी भी बचे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते जाते रहेंगे और मेरा यहाँ रहना जरूरी है। देखिए, आई प्रॉमिस यू कि मेरी वजह से आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सबको एतराज ना हो तो कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ मैं। ऑफ कोर्स मिस्टर आर्यन, अब आपके घर के दो लोग तो पहले से ही यहाँ है, एक काम कीजिए, एक एक करके बाकियों को भी यही बुला लीजिए। Ask and you shall receive. आपकी विश भी पूरी हो गई मिसेस त्रिपाठी। नर्मदा जी। नमस्ते अपर्णा जी, कैसी हैं? आप यहाँ इस वक्त?
मतलब वो अरु अरु तूने तो कहा था कि सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, ये लोग तो हमें देखकर हैरान हो गए। तूने अपर्णा जी से पूछा नहीं था क्या? पूछने ही आया था मां, लेकिन यहां जब पहुंचा तो सिचुएशन कुछ अलग थी। एनीवेज पूछने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अभी अभी इस घर की बहू ने कहा कि आप दोनों को यहां होना चाहिए। राइट मिसेस त्रिपाठी, मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ इस घर में रह सकती है, राइट? ये भी कोई पूछने की बात है? आइए। आप लोग रहेंगे तो घर में रौनक सी रहेगी। आइए ना। आइए। कुछ मत कहिए मालिनी, जिस घर में जो आजकल होता है वो मैं समझ नहीं आता, और जो हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। जिसका घर है वो अपने मेहमानों को भी संभाल लेगी।